गेंद नहीं बल्ले से खूब तहलका मचाया। शाहीन अफरीदी ने सबसे रोमांचक मैच में अपनी टीम को जिताया। जी हां, गेंदबाजी के जरिए शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी टीम को कई दफा मैच जिताने का काम किया है, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बल्ले से तहलका मचा दिया। दरअसल शाहीन शाह अफरीदी ने इंटरनेशनल लीग टी20 2024 में एमआई एमिरेट के खिलाफ आखिरी गेंद तक चले मैच में डेजर्ट वाइपर को एक धमाकेदार जीत दिलाई। दरअसल आखिरी गेंद पर डेजर्ट वाइपर को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे, और आपको बता दें आखिरी ओवर में शाहीन अफरीदी के सामने कोई ऐरा गहरा गेंदबाज नहीं बल्कि ट्रेंट बोल्ट थे। ऐसे में शाहीन ने संयम नहीं खोया और अपने ऊपर दबाव को हावी नहीं होने दिया। आखिरी गेंद ट्रेंट बोल्ट ने फुल लेंथ फेंकी। ट्रेंट बोल्ट की इस गेंद पर शाहीन अफरीदी ने स्क्वायर थर्ड मैन की ओर शॉट खेला। इसके बाद शाहीन अफरीदी ने अपने साथी खिलाड़ी ल्यूक वुड के साथ भागकर 3 रन लिए। इस तरह शाहीन अफरीदी ने अपनी टीम डेजर्ट वाइपर को 2 विकेट से जीत दिला दी। शाहीन इसके बाद मैदान पर ही बैठ गए और अपना बैट और हेलमेट फेंक कर इस जीत का जश्न मनाने लगे। वैसे आपको बता दे, इस मैच में मोहम्मद आमिर ने भी अपनी गेंद से खूब कहर बरपाया था। ये मोहम्मद आमिर की खतरनाक गेंदबाजी का असर ही था कि एमआई एमिरेट की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 149 रन ही बना सकी, जिसके बाद डेजर्ट वाइपर की टीम 8 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच जीतने में सफल रही। देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी की ये पारी उनकी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी की ओर भी इशारा कर रही है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस कुछ महीनों में टी20 वर्ल्ड कप 2024 शुरू हो जाएगा, और इस बार हमें शाहीन शाह अफरीदी ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे इस टी20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 के बाद बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी थी। PCB ने इसके बाद तीनों फॉर्मेट में 3 अलग-अलग कप्तानों का ऐलान किया, और इस दौरान शाहीन शाह अफरीदी को टी20 फॉर्मेट की कप्तानी सौंप दी गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए कप्तान पाकिस्तान को कहां तक लेकर जाते हैं और टी20 वर्ल्ड कप में कैसी टीम लाते हैं। वैसे मोहम्मद आमिर इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी के साथ डेजर्ट वाइपर में खेल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि मोहम्मद आमिर का कमबैक हो सकता है? वैसे इसका फैसला तो PCB और शाहीन शाह अफरीदी लेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, वसीम जूनियर, क्या कमाल का बॉलिंग अटैक होगा पाकिस्तान का। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें क्रिक इन्फॉर्मर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।